आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की सुरक्षा के दृष्टिगत सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा कि जनपद में 90% लोग सिम्टोमेटिक मरीज हैं जो कि होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। ऐसे लोग रेगुलर अपना ऑक्सीजन चेक करते रहें तथा अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलर मापते रहें। इसके अलावा उन लोगों को जो दवाइयाँ दी गई हैं उसका समय से सेवन करते रहें। परिवार के सदस्य को भी वह दवाइयाँ दें। यदि परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित नहीं हैं तो घर के संक्रमित व्यक्ति अपने आप को होम आइसोलेट कर ले तथा परिवार के सदस्य से दूर रहे, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की समस्या होने पर आरआरटी टीम को सूचित करें या आईसीसीसी के नंबर पर सूचना दें, जिससे कि उनकी मदद हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हाँ, एक अबाउट 80-90% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं जो कि घर पे ही घर में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। वो लोग रेगुलर अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहें, टेम्परेचर देखते रहें। जो हमारी आरआरटी टीम ने उनको दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयाँ वो लोग खाते रहें। परिवार के भी सभी सदस्यों को भी वो दवाइयाँ दें। और परिवार के सभी सदस्य कोई और संक्रमित नहीं है तो अपने को खुद ही आइसोलेट कर लें, लोगों से दूर रहें, जिससे कि अपने परिवार के लोगों को फैला ना सके, कॉलोनी के लोगों को और संक्रमण ना हो पाए तो अपने को आइसोलेट कर लें। दवाइयों का ज़रूर सेवन करें और अगर कोई दिक्कत होती है उनको तो हमारी आरआरटी टीम जो जाती है उसको ज़रूर बताएँ और हमारी ICCC के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देते रहें। सर, इसके अतिरिक्त क्या बताया, उनको किसी तरह की जानकारी लेनी है तो हमारे ICCC में कई सारे हेल्पलाइन लगे हुए हैं और वहाँ 24 घंटे लोग काम कर रहे हैं, सारी जानकारी वो देते रहते हैं। इवन अगर उनको कोई दिक्कत है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हमारा ICCC उसमें मदद करता है, एम्बुलेंस भेजता है, एम्बुलेंस उनको घर से ले जाती है और अस्पताल में भर्ती कराती है।